हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये देखिए, दो तरीके के आटे गूंथे हुए हैं। एक नॉर्मल आटा है, एक दाल का आटा है, उसमें दाल गूंथ रखी है। ये आलू उबाल दिए थे मम्मा ने, आप देख सकते हो। हरी मिर्ची भी नहीं है आलू के मसाले में, ना लाल मिर्ची है। हमारे मिर्ची खाते ही नहीं हैं, कहते हैं थोड़ी सी मिर्ची खानी चाहिए, बट मैंने तो खाती नहीं, बिल्कुल छोड़ रखी है। जब से विहान पेट में आया था ना मेरे, हाँ जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से लेके आज तक मैंने मिर्ची नहीं खाई, ना विहान को खिलाती, क्योंकि मैं फीडिंग देती हूँ बच्चे को। वही है ना, फिर बच्चे को भी, मेरे माँ को भी सिंपल खाना खाना चाहिए, मिर्च मसाले वाला नहीं खाना चाहिए, और इसीलिए मैं नॉर्मल खाना खाती हूँ। और बाबू को भी मिर्ची मैं नहीं देती बिल्कुल भी। तो ये देखिए, देसी घी अभी लेकर आई थी 250 रुपये का, अभी 4 या 5 दिन हुए होंगे और डब्बा ख़त्म भी हो गया, क्योंकि हमारे ना दाल देसी घी में बनती है, परांठे भी देसी घी में, तो इसीलिए घी ज़्यादा यूज़ होता है। तो देखो, ये मुश्किल से आज आज का दिन लाना पड़ेगा एक डब्बा और घी का। आज तो हम खाएंगे आलू के परांठे, मम्मा ने बनाए बनाए हैं आलू के परांठे, आलू के पलांठे पलांठे। साथ में हमने ली है दही, कल जमाई थी रात को। अब से गर्मी आ गई ना, अब तो डेली दही जमाया करेंगे हम। आज पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे इतनी प्यास लग रही है। सुबह से मैं 3 गिलास पानी पी चुकी हूँ, अभी लग रहा है 1 गिलास और पी लेती हूँ। इस घड़ी में ना सेल डाल दी है, लेकिन मुझे लग रहा है घड़ी खराब हो गई है, अभी भी गलत टाइम दे रही है, कोई फायदा नहीं है। और बाबू सो गया है, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 12 बजे हैं, बट चलो अच्छी बात है, 7 बजे उठा था, 12 बजे फिर सो गया। जैसा कि आपको पता है ना, बीमारी फैल रही है ना, तो एक बार मैं ना देख लेती हूँ कि क्या क्या चीज़ें रखी हैं घर में, क्या क्या चीज़ें लानी है, इकट्ठी ले आऊँगी। फिर नहाने के साबुन तो रखे हुए हैं, देखो डिटोल भी रखा है, सेवलोन भी रखा है, बल्कि ये तो एंटीसेप्टिक है, सही है ना, ये वाओ का है बाथिंग सोप। कितने रखे हैं, हाँ 2 रखे हैं अभी, इसमें भी एलोवेरा बाथिंग बार, ये बहुत अच्छा रहता है। एलोवेरा का जो साबुन होता है ना, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये विहान के भी रखे हैं, ये तीनों विहान के साबुन है। ये तो जॉनसल बेबी है, हिमालय का, हिमालय का आता नहीं बच्चों वाला, ये एक पियर्स भी रखा है। शैम्पू भी रखे हैं, अभी ये तो मैंने खोला भी नहीं है, ट्रेसेमे का शैम्पू है। ये डव की बड़ी बोतल रखी हुई है शैम्पू की। ये 3 मेरे कंडीशनर भी रखे हैं, बंद हैं अभी तक, तो खोले नहीं। पैंटीन का है, ये ट्रेसेमे का है कंडीशनर, ये लोरियल का है टोटल रिपेयर। ये सिर्फ मैं यूज़ करती हूँ, मेरी मम्मी कंडीशनर यूज़ नहीं करते हैं। मम्मी के वहाँ ख़त्म हो रखा है, एक शैम्पू मम्मी को दे के आऊँगी। ब्रश भी रखे हैं, टॉयलेट क्लीनर भी अभी 2 रखे हैं, पैकेट भी नहीं खोला, ये 3 महीने पहले लाई थी, अभी रखे हैं, वही ख़त्म नहीं हुए। ये डब्बे में रखे थे, देखना खिंड गया है शैम्पू, काफ़ी ज़्यादा ही खिंड गया है ना, आधा आधी से भी कम रहेगी, इतना सा पड़ा है अभी इसमें। ये बोतल मैं मम्मी को देख के आऊँगी शैम्पू की, और इसमें जो साथ में कंडीशनर है ये तो मैं ही रख लूँगी। बर्तन धोने के भी रखे हैं, इतने तो चल जाएंगे। चार्टिक की कपड़े धोने की रखी है, सर्फ एक्सल भी रखा है, एक ही रखा है, पेस्ट ख़त्म हो गया। और ये देखो मुझे क्या मिला, सीरम भी मिल गया, मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी इसको, मैं बाहर ही रखूँगी। इसमें पता है अलमारी में मुझे कुछ दवाइयाँ भी रखनी चाहिए, मेरे घर में कोई दवाई नहीं है। उस दिन मेरे सिर में दर्द हुआ इतना तेज, सिर्फ सिर के दर्द के लिए मैंने ये झंडू बाम लगाई, इससे तो ज़्यादा असर भी मुझे नहीं हो रहा था, तेज़ दर्द था। फिर पापा जी से मैंने दवाई ली, अदरवाइज जैसे सिर के दर्द की या बुखार की छोटी मोटी दवाइयाँ तो घर में होनी चाहिए, छोटी चीज़ें है ना। तो मैं यहाँ पे ना कुछ दवाइयाँ मंगू, जब भी चक्कर लगेगा ना मैं ले आऊँगी, सिर के दर्द की तो ज़रूर लाऊंगी, वैसे मैं लेती नहीं, लेकिन उस दिन तो मेरा इतना भयंकर सिर दर्द हुआ था ना, लेनी पड़ी, और उसी से ही मुझे आराम मिला था। और ये देखिए, ये मैंने कितने सारे ये हेयर लाइस के डब्बे थे, मैंने इकट्ठे मंगवा लिए थे, सस्ते पड़ते हैं, तो मैं इनको ना हर 3 महीने में एक बार फिर मैं यूज कर लेती हूँ। ये देखो ऐसे, ये जुओं के लिए होता है। तो मेरे बाल लंबे हैं, क्योंकि अब जैसे गर्मी वगैरह रहती है ना, तो इचिंग वगैरह थोड़ी सी भी होने लगती है, मैं एक यूज़ कर लेती हूँ ऐसे 3 महीने में एक बार, तो मेरा सिर बिल्कुल क्लीन और साफ रहता है। मुझे अलमारी में से मेरा चश्मा मिला है, पहन के दिखाती हूँ मैं आपको। ये चश्मा मैंने सनी के साथ में गई थी ना, तब खरीदा था। अच्छा है ना, बताइएगा कैसा लग रहा है ये वाला स्पेक्स, मुझे बहुत पसंद था। इसमें थोड़ा सा नंबर था,
जैसे मैं स्क्रीन पे काम वाम करती थी ना, जैसे लैपटॉप वगैरह पे, ये एंटी ग्लेयर है तो इससे आंखों पे जोर नहीं पड़ता, है ना क्यूट सा। वैसे मैंने विहान की दवाइयाँ रख रखी हैं देखो इसमें ना, संभाल के, इसमें विहान की जैसे बुखार बुखार की भी रखनी जरूरी होती है बाबू की, तो ये देखो ये होगी, इसमें फीवर की भी मिलेगी, ये तो इन्फेक्शन की है, ये तो फेंक भी दूँ चलेगा क्योंकि खराब हो जाती है, तो तुरंत यूज़ करने की होती है ना। ये दो दवाई मेरे अब किसी काम की नहीं है क्योंकि विहान के दूसरे डॉक्टर को चेंज करवा ली ना मैंने दवाई, और कितनी महंगी दवाई है ये, 750 की एक थी, ऐसे की ऐसी रखी हुई है, इसमें भी है इसमें भी, आधी आती एक बोतल तो ऐसी ख़राब होगी। अब तो ये वाली चल रही है बाबू की दवाई, दो मंगवा के रख रखी हैं, ये भी ख़राब हो गई, 250 रुपये की थी, देखो नई की नई है, खोली भी नहीं, ऐसी दवाइयाँ ख़राब होती हैं, फिर डॉक्टर चेंज कर लो, दूसरे डॉक्टर अपनी दवाइयाँ रख देते हैं, है ना। ये मैं पहनती हूँ, मैं बताती हूँ ना, मैं आर्टिफिशियल पहनती हूँ, मेरे पास बस यही रखे हूँ मैं आर्टिफिशियल से कानों के, मैं इसी में से निकाल निकाल के पहनती रहती हूँ कानों में, बाकी गुम हो गए इधर उधर रख देते हैं, कई बार निकाल के फ्रिज के ऊपर कहीं, 1 साल से पहन रही हूँ वैसे मैं ये, कुछ कुछ मिसिंग हुआ है इसमें, कुछ टूट भी गए इसमें से, एक आधे निकल गए। अच्छा ये वाला बहुत अच्छा था, मेरा पीस पता नहीं कहाँ गया इसके साथ का, देख लो पापा जी आपके कुछ खत्म हो रही हो ना कोई चीज तो, नहीं इसमें तो वो है, इसमें तो विहान की जुराबे वगैरह रखी हैं इसमें, ये तो मैं हॉस्पिटल लेके जाती हूँ विहान का, जब रिपोर्ट्स वगैरह लेके जाती हूँ ना, हाँ इसमें बस थोड़ा सा, देख लो कोई चीज आपके खत्म हो रही हो वो आप ले जाना इधर थोड़ा सा, इसको पहले खोल लो ना फिर हो जाएगा, आप एक बार साइड हो पहले, इसको खोल लो दरवाजे को पूरा, हाँ मैंने रख भी, आराम से थोड़ा सा बैठना पड़ेगा, हाँ देख लो आपको क्या चाहिए। ठीक है अब्बा जी ये ले जाना, ये तो पाउडर है, एक पापा जी ये लेके जा रहे हैं वाइल्ड स्टोन का, ये वैसे भी ये आई थिंक ओदे परफ्यूम है, ये खुल के देखूं, कांच की होगी ना इसमें तो अब्बा जी, बोतल खुला नहीं है, न्यू फ्रेश पीस है, एकदम फ्रेश पीस है, एक ये वाला लेके जा रहे हैं वाइल्ड स्टोन, हाँ ये वाला, ये एक तो ये वाला है, इसका ये भी ओपन करते देखती हूँ, हाँ ये बड़ा है, मैं वाइल्ड स्टोन ये बड़े वाला है, पाउडर हाँ। पाउडर तो एक ही तो, ये देखो ये ये खोल नहीं, रखा, पॉन्ड्स हाँ ये पॉन्ड्स का है, डर्मी पोल देखूंगी पापा जी, मिल जाएगा मैं आपको दे दूंगी, पापा जी बोलते हैं मैं बदल बदल के यूज करता हूँ, पापा जी को परफ्यूम्स का बहुत शौक है, एक दिन ये लगाएंगे एक दिन ये लगाएंगे एक दिन पाउडर लगाएंगे, हाँ ये जेड के मैन के ही होते हैं मेनली, है ना मैन के ही होते हैं जेड के, जोर लगाना पड़ता है, पापा जी ऐसे नहीं करता, पापा जी बोलते मैं काटना नहीं आया, इसमें सिंपल है रखो ऐसे एकदम तेज कर मारना पड़ता मैं है, तेज मारूंगा कितना होल टूट नहीं, तेज ही मारना पड़ता है ये ऐसे, और ये चलते 1 ही महीना है, 1-1.5 महीने में टूटते ही टूटते हैं ये, ठीक है पापा जी आप शाम को आ जाना, अभी पापा जी जा रहे हैं बाजार जा रहे हो, माँ को 5 दिन हो गए मिली ही नहीं, ना कॉपी मिली ना हाँ, मिला हाँ अब वो ढंग इस तरह साफ सफाई नहीं रखेगी तो फिर ऐसा हो जाएगा, कोई चीज रखोगे मिलेगी नहीं, और अभी मम्मी ने ढूंढना शुरू नहीं किया पापा जी, उसको पता दिखे ना सब कर रही है, इसीलिए खोला होगा बेड, लेकिन फिर विश्वास नहीं ना किसी बंदे पे, आदमी पे विश्वास नहीं और किसी पे विश्वास करेगी, फिर से लिए सारा सारा सामान ले लिया, मगर ले ले भाई बंदा क्या लड़ झगड़ के लिया, दे 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 दे, अगर ले जाते कोई नहीं पापा जी मैं समझाऊंगी मम्मी को, समझाने की बात नहीं, जैसे गुम हो जाएगी फिर के समझाना, हाँ ये के समझाना ना, उसका नंबर का पता कौन सा उसका नंबर है, अकाउंट नंबर की है कि नहीं है। देखिए पूरा मैटर क्या है मैं आपको बताती हूँ, हुआ क्या था कि मम्मी के अकाउंट को, जैसे हमारा क्या होता है ना अकाउंट में 20,000 रुपए ना शुरू में हमें खुद से डलवाने पड़ते हैं तब अकाउंट ओपन होता है ना, तो मम्मी के पास तो खुद की कहाँ से अर्निंग होती, मेरी मम्मी कमाते थोड़ी थे उस टाइम, बिल्कुल बाद में कमाने लगे थे यूट्यूब से, तो है ना, तो पापा जी ने 20,000 रुपए 21,000 मम्मी के अकाउंट में अपने अकाउंट से डलवा दिए पैसे, एक बार अकाउंट में डलवाए अकाउंट शुरू हो गया, उसके बाद मेरे मम्मी की आने लगी थी यूट्यूब से अर्निंग, जैसे उस टाइम महीने के
10,000 मम्मी कमा लेती थी, ठीक है, उस टाइम की बात है। तो हुआ क्या कि मम्मी के पास 70-80 हजार रुपए इकट्ठे हो गए। तो पापा जी ने उसमें से क्या किया, एक बार 18,000, एक बार 3,000 करके वो 21,000 वापिस निकलवा लिए। पापा जी बोलते कि मैंने डलवाए थे पैसे, मेरे को जरूरत थी, मैं अपने पैसे ले रहा हूँ, ठीक है, वह मम्मी निकलवा लिए। तो मम्मी को आया इस बात पे गुस्सा, मम्मी ने मेरे पापा जी से सारे कागज बैंक के ले लिए, बोलते मेरे कागज मेरे पास रहेंगे, मेरा कार्ड दे दे, एटीएम कार्ड भी मम्मी ने अपने पास रख लिया ताकि पापा जी पैसे ना निकलवा सके मेरी मम्मी के अकाउंट से, ठीक है, ये बात थी। और पापा जी ने मम्मी के अकाउंट से पैसे इसलिए निकलवाए थे क्योंकि मेरे पापा जी का एटीएम कार्ड ब्लॉक हो रखा था, उनका काम नहीं कर रहा था और उनको दिक्कत आती थी, जैसे होता है ना, एक तो पासबुक से बैंक में जाके पैसे निकलवाओ, एक एटीएम से निकलवा लो, आसान रहता है, नजदीक में ही है एटीएम्स तो, है ना। तो ये रीजन था। तो मम्मी ने अपना छिपो के रख दिया और अब मम्मी रख के भूल गए, आपको पता है मेरी मम्मी की भूलने की दिक्कत। तो अब वो मम्मी ढूंढे जा रहे हैं, उन्हें कागज मिल नहीं रहे हैं और मेरे पापा जी का गुस्सा हर रोज दिन ब दिन ऊपर पारा हाई होता जा रहा है कि आज भी नहीं मिला, कल भी नहीं मिला, 4 दिन हो गए, कब मिलेंगे कागज, मेरे पास थे तो मेरे ऊपर तो भरोसा किया नहीं, मेरे से तो सारे कागज ले लिए, लड़ाई कर करके कि मेरे कागज मुझे दे, अब अपने पास रखे हैं तो संभाल के नहीं रखे, पता नहीं कहाँ गुम कर दिए, मिल ही नहीं रहे। ये मैटर है पूरा, जिसकी वजह से मम्मी पापा जी की चले जा रही है 2-4-5 दिन से। बाबू विहान, मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है, आई रियली लव यू बेटा, मेरा छोटा सा प्यारा सा चंदा है ना तू, मम्मा को हाथ दे दे अपना, मम्मा आपका हाथ पकड़ के सोती है ना, सो जाओ, आप जब तक आपकी माँ जिंदा है ना, आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मम्मा हमेशा आपके साथ है। आई लव यू विहान, तू मेरा बहुत प्याला सा पाला सा बच्चा है। अच्छा सो जाओ, नींद ख़राब नहीं करती बच्चे की, ठीक है जी। चलिए इस वीडियो का मैं यही एंड कर देती हूँ, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।